तो दोस्तों आज हम बात करेंगे चेन्नई पेट्रो के स्टॉक के बारे में। चेन्नई पेट्रो के स्टॉक में नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक के लिए क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। हम अगर यहाँ पर स्टॉक की बात करें तो हम देखेंगे जो ये स्टॉक है हमको पिछले एक लंबे समय से यहाँ पर लगातार क्लियर अप ट्रेंड में देखने को मिल रहा है। हमको यहाँ पर स्टॉक में लगातार हायर हाई हायर लो वाला पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हमको यहाँ पे स्टॉक में बीच बीच में यहाँ पर गिरावट भी देखने को मिली, लेकिन स्टॉक ने कभी भी अपने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया और हमको स्टॉक में लगातार तेज़ी ही देखने को मिली है। लेकिन आज हमको यहाँ पर स्टॉक में अगेन 2.84% की यहाँ पर गिरावट भी देखने को मिली है। यहाँ पर अच्छी बात यह है कि आज की गिरावट के बावजूद स्टॉक ने अपने प्रीवियस कैंडल के लो को यहाँ ब्रेक नहीं किया है, तो यहाँ से भी अगेन हमको स्टॉक में रिकवरी भी देखने को मिल सकती है। यहाँ से अगर स्टॉक में रिकवरी आती है तो ऐसे रिकवरी कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक में 865 का पहला यहाँ पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक इसको ब्रेक करेगा देन ऐसे हमको स्टॉक में अगेन एक अच्छी बाइंग यहाँ पर देखने को मिल सकती है। अगर स्टॉक ने इसको भी यहाँ ब्रेक किया देन ऐसा भी हमको स्टॉक में अगेन 950, इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक है 1000, और अगर स्टॉक ने इसको भी यहाँ ब्रेक किया देन ऐसा हमको स्टॉक में अगेन 1050, इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 1100, और इसके बाद अभी हमको यहाँ पर स्टॉक में अगेन 1200 तक के लेवल्स भी यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। वहीं यहाँ से अगर स्टॉक में गिरावट आती है तो यहाँ से गिरावट की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक में 815 का पहला यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक इसको ब्रेक करेगा देन यहाँ से हमको स्टॉक में 780 एंड देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन 738 तक के लेवल्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं ऐसे नेक्स्ट यहाँ पर सपोर्ट। तो ये स्टॉक में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, आप इन पर ध्यान दे सकते हैं। बाकी वीडियो में कोई बाय सेल होल्डिंग की सलाह नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। धन्यवाद।